कहानी है रामपुर गांव की, जहां सविता अपने तीन बेटों के साथ इस घर में खुशहाल रहा करती थी। फिर सविता की छोटी बेटी की पढ़ाई के चक्कर में सविता को ये घर गिरवी रखवाना पड़ा और उसके छोटे बेटे प्रेम ने घर को छुड़वाने से मना कर दिया। और फिर देखते देखते ऐसे हालात हो गए कि उनके पास खाने पीने को कुछ ना रहा। चलिए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ और जानते हैं कि आज की इस कहानी में सविता के साथ क्या हुआ। कहानी में हमारे साथ बने रहिएगा और आखिर तक पूरी कहानी देखिएगा। और हाँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू। बेटा बोलो। माँ, हमने प्रेम की पढ़ाई और उसकी शादी के लिए बैंक से लोन लिया था ना, बैंक से बार बार फ़ोन आ रहा है कि अगर हमने आगे की किस्त जमा नहीं करवाई तो बैंक हमारा घर नीलाम कर देगा। माँ, आपने मुझसे कहा था कि आप प्रेम से बात करोगी। माँ, बैंक से फ़ोन आना बार बार ठीक नहीं है। माँ, अगर हमने 10 जुलाई से पहले पहले किस्त जमा नहीं करवाई ना तो बैंक हमारा तमाम सामान बाहर फेंक देगा और हमें एक दिन की भी मोहलत नहीं देगा। माँ, बहुत मुश्किल में फंस जाएंगे हम लोग। मैं क्या करूं? प्रेम मेरी बात ही नहीं सुनता। आज आने दो प्रेम को, आज मैं बात करके रहूंगी। मैंने उसी की पढ़ाई के लिए इस घर को गिरवी रखवाया था ना, वरना ये मेरे मियाँ की आखिरी निशानी है। मैं इस घर को इतनी आसानी से अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती। इनकी यही तो याद मेरे पास है। अगर ये घर मुझसे चले गया तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी ऊपर जाके? वो मुझसे कहते थे कि इस घर को कभी मत बेचना, और इस प्रेम की बातों में आके मैंने घर को बेच दिया। ये प्रेम कितना सेल्फिश हो गया, मैं कोई बात समझता ही नहीं है। पहले कहता था माँ मुझे पढ़ाई करवा दो, फिर हम ये घर वापस छुड़वा लेंगे, और जहाँ छुड़वाने की बात आई तो सबसे पहले प्रेम ही पीछे हट गया। आज मैं प्रेम से बात करके रहूंगी। मैं इस घर को आसानी से जाने नहीं दे सकती। ये क्या कर दिया मैंने? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं प्रेम की बातों में आई। ये सही तो कहता था राज कि माँ प्रेम की बात मत मानो, पर मैं सोचती थी पढ़ेगा कैसे, लिखी और कैसे पढ़ लिख जाएगा, बड़ा इंजीनियर बन जाएगा तो ऐसा 10 घर मुझे बना के दे देगा। लेकिन ये तो अभी से बदल गया। अच्छा हुआ प्रेम बेटा तुम अभी आ गए, तुम्हारी बात कर रही थी, तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। प्रेम, तुम्हें नहीं पता बार बार बैंक से फोन आ रहे हैं, अगर हमने किस्त जमा नहीं करवाई तो बैंक हमें घर से निकाल देगा। माँ क्या, मैं ऑफिस से आता नहीं हूँ, तुम टेंशन दे देती हो। तुम्हें इतना ख्याल भी नहीं है ना कि मैं अभी थका आ रहा ऑफिस से आया हूँ, 2 मिनट बैठ जाऊँ, पानी पी लूँ। लेकिन नहीं, तुम्हारी तो कभी परेशानियाँ खत्म होती नहीं है। मैं तुम्हारी एक टेंशन खत्म करता नहीं, तुम दूसरी टेंशन पहले से लेके आ जाती हो। प्रेम, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी शादी और तुम्हारी पढ़ाई के लिए मैं घर गिरवी रखवाया था, जब तुम कहते थे कि माँ मुझे इंजीनियर बनने दो, मैं आपका घर आपको वापस दिलवा दूंगा, और अब जब मुझे तुम्हारी जरूरत है तुम एकदम हाथ पांव सब छोड़ के बैठ गए हो। मैं रात से क्या क्या बोलूं, रात पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल रहे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उसके ऊपर और जिम्मेदारियां डालूं। तुम इतने बड़े इंजीनियर बन गए हो, तुम्हारा कितना नाम है, तुम बैंक से हमारा घर नहीं छुड़वा सकते? मुझे नहीं पता, कुछ भी करो, कल मुझे बस पैसे चाहिए, कह दिया। माँ को तो बस यही लगा रहता है, माँ के तो ड्रामे ही खत्म नहीं होते। अब घर नीलाम होता है तो हो, मैं इस बार कुछ नहीं करूँगा। माँ, मैं किचन में खाना पकाने के लिए गई तो मैंने देखा गैस नहीं आ रही। क्या हुआ माँ, आपने गैस का बिल जमा नहीं करवाया? आपने कहा था प्रेम से कहकर गैस का बिल जमा करवा देंगी। माँ, कल लाइट चली गई थी और गैस काट के चले गए, ऐसा कैसे चलेगा? माँ, अब आपको प्रेम से सख्ती से बात करनी होगी। आप जानती हैं चिंटू भूखा बैठा है, मैं चाहूँ तो बाहर से खाना मंगवा सकती हूँ, पर आप जानती हैं बाहर खाना खा के उसका पेट खराब हो जाता है। मैं क्या करूँ बहू, मैं खुद परेशान हो गई हूँ। इतनी छोटी सी जिंदगी में कितनी टेंशन है, मैं खुद परेशान हो गई हूँ। कभी कभार दिल चाहता है कि मर जाऊँ। माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको प्रेम को समझाने के बगैर आप अपने आप को कोस रही हैं। माँ, आप ही तो हमारे घर की बड़ी हैं, मैं तो बस आपसे इतना कह रही हूँ कि आप प्रेम से बात कीजिए। बेटा, तुम्हें क्या लगता है मैं प्रेम से बात नहीं करती हूँ? मेरी कोई बात सुनता ही नहीं है, एकदम बदल गया जब से उसकी शादी हुई है। कभी कभी तो मेरे दिल में आता है कि मैं जाके मर जाऊँ। बेचारी माँ कितना परेशान है, पर हम क्या करें? प्रेम ही तो देते थे इस घर का बिल, ये क्या क्या उठाएंगे, पूरे घर की जिम्मेदारी इनके कंधों पे। प्रेम भैया एक बिजली का बिल तो जमा करवाते थे और गैस उन्होंने उससे भी हाथ छोड़ दिया, ऐसा कैसे चलेगा? और मुझे टेंशन से बात क्यों हो रही है? अगर बैंक वालों ने हमें घर से निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे? इस घर के अलावा तो हमारे पास और कोई घर भी नहीं है। मैं इनसे कहूँगी यही प्रेम से बात करें, माँ की बात तो सुनता नहीं है। माँ, अभी मासी आई थी, वो मना कर रही है कि आज से वो हमारे घर काम नहीं करेगी। वो कह रही है 3 महीने की तनख्वाह चढ़ गई है, वो कह रही है जब तक मुझे मेरी पेमेंट नहीं मिलेगी मैं नहीं जाऊंगी। माँ, ये क्या हो रहा है, कोई भी काम पूरा क्यों नहीं हो रहा हमारे घर का? मुझे तो समझ में नहीं आता हमारे घर को किसकी नज़र लग गई है। बहू, मैं क्या करूँ, मैं खुद परेशान हो गई हूँ। कोई मेरे हाथ में पैसे दे ही नहीं रहा कि मैं बिल अदा करूँ, और सबके सब आके मुझे सुनाते हैं, मैं क्या करूँ? मैंने कभी सोचा था मुझे इस उम्र में इतनी टेंशन मिलेगी? इन सब टेंशनों की वजह से मुझे हर वक्त बीपी रहने लग गया, ऐसा लगता है मेरे दिमाग की नसें फट जाएंगी। मैं किसके पास जाऊं? मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हो गई मुझसे, जब मैंने अपना घर गिरवी रखवाया प्रेम के लिए, और प्रेम ही आज बदल गया। बेचारी माँ, मुझे माँ को देख के बहुत अफसोस होता है, लेकिन प्रेम और अंजलि को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कितना साथ दें माँ का, पर प्रेम भैया को कुछ तो सोचना चाहिए ना कि प्रेम भैया माँ को इस उम्र में कितनी टेंशन दे रहे हैं। अब तो मुझे ऐसा लगने लग गया कि प्रेम भैया को कोई फर्क ही नहीं पड़ता हम सब से, अब सिर्फ उनके लिए वो और उनकी बीवी है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हम इस घर में नहीं रहते। अंजलि, तुम ये मेरे घर में कैसे कपड़े पहन के फिरती रहती, तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम्हारे जेठ हैं,
तुम्हें किसने बोला ऐसे कपड़े पहन के फिरने को? तुम्हें देखा नहीं तुम्हारी दोनों भाभी कैसी हैं, कैसे कपड़े पहन के फिरती हैं? ये मेरे घर का माहौल नहीं है कि तुम छोटे छोटे कपड़े पहनोगे यहाँ वहाँ फिरती रहोगी। मेरे इस महल में बहुत इज्जत है, मैं तुम्हें बता देती हूँ। अगर तुम्हें मेरे साथ इस घर में रहना है तो हमारे हिसाब से रहना होगा। आने दो आज प्रेम को, मैं प्रेम को कह दूंगी तुम्हारी बीवी होगी कहीं की मॉडल, लेकिन हमारे घर में वो इंसान की बच्ची बन के रहेगी। जाओ और जाके ढंगे कपड़े पहन के आओ। अपने दोनों कान खोल के मेरी बात सुन लो। अब तुम कोई नई नवेली दुल्हन नहीं हो जो हर वही कोने में बैठी रहती हो। तुम जाओ और अपनी भाभियों के साथ मिलकर घर के काम में साथ दो। बहुत तुम रह ली आराम से, ना कोई काम ना काज, बस खिला दो पिला दो घुमा दो। अभी भी ऐसा और नहीं चलेगा, ये मेरा घर है, यहाँ मेरी मर्जी के हिसाब से रहना होगा। मैं तुम्हें बहुत छूट दे दी ये सोच सोच के कि नई लड़की हो, नई लड़की को एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। लेकिन बीबी अब 6 महीने हो गए हैं, अब तुम कहीं की नई बहू नहीं रही हो। अब जाओ दोनों भाभियों से पूछो कि किस काम में उनको हेल्प चाहिए और उनकी मदद करना शुरू करो। मैं रानी और रवीना से कह दूंगी, या तो तुम्हें लंच की जिम्मेदारी दें या फिर डिनर की। बस तुम्हारी माँ ने तुम्हें घर कोई काम काज सिखाएं या बस यही सिखाया कि शौहर को उंगली पे कैसे नचाया जाता है? आप कुछ बोलने का कष्ट करोगी या मेरे सामने ऐसी स्टैच्यू बन के खड़ी रहोगी? शौहर के सामने तुम्हारी बड़ी जबान चलती है, बड़ी टाटा चलती है, 2 मिनट के लिए भी चुप नहीं होती हो। अब क्या हो गया है, सारी हवा निकल गई तुम्हारी? बीबी आप आराम के दिन चले गए तुम्हारे, जितना आराम तुम्हें करना था कर लिया, जितना घूमना फिरना था सब कर लिया। अब जाओ रानी और रवीना के साथ घर काम में हाथ बटाओ। हमारा कोई नौकर चाकर नहीं है, हम लोग खुद ही अपने घर काम करते हैं। तुम्हें बहुत बैठा के खिला लिया पिला लिया और मैंने देख लिया कि बिठा के खिलाने पिलाने का कोई फायदा नहीं है। तुम लोग एहसान तो कभी मानोगे नहीं, क्योंकि तुम लोग हो ही एहसान फरामोश। जो गलती मैं कर चुकी हूँ वो मैं नहीं करूँगी। ये मेरा घर है और इस घर को लेके मुझे ही चलना है। कितना सुनाई जा रही है अम्मी मुझे, आज इनको आए दो, मैं बोल दूँ मुझे इस घर में रहना नहीं है, नहीं रहूंगी मैं इनके साथ। कितनी बदतमी सौरत है, मैं लिहाज करे जा रही हूँ, सुनाई जा रही आज आने तो प्रेम जी को। बेबी तुम्हें क्या लग रहा है, मनी मन मुझे कोसते रहोगे, मुझे पता नहीं चलेगा। अपनी शक्ल गुम करो यहाँ से। माँ को क्या हो गया है, माँ ने कोई एहसान नहीं किया अगर मेरे लिए घर को गिरवी रखवाया है? माँ को खुद सोचना चाहिए कि मैंने नई जॉब पकड़ी है, मैं आज भैयाओं से बात करके रहूंगा, मैं घर को नहीं छुड़वा सकता। भैया मैंने आप दोनों को इसलिए बुलाया कि माँ फालतू में मुझ पर चढ़ रही है कि माँ ने मेरे लिए घर गिरवी रखवाया है। कोई एहसान नहीं किया है माँ ने, यह हर माँ करती है अपने बच्चों के लिए। भैया अगर घर को छुड़वाना है तो हम तीनों को मिलकर पैसे देने होंगे, मैं अकेला पैसे नहीं दे सकता। आप जानते हैं अभी मेरी शादी हुई है और मैंने अंजलि से वादा किया था कि मैं उसको घुमाने के लिए यूरोप लेके जाऊंगा, मैं उसके लिए पैसे जमा कर रहा हूं। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो प्रेम? प्रेम तुम माँ के लिए इतना जहर कैसे उगल सकते हो? ये बात तो हम सब जानते हैं कि माँ ने तुम्हारी शादी और तुम्हारी पढ़ाई के लिए इस घर को गिरवी रखवाया है और हम लोग जितनी कोशिश कर सकते हैं हम कर रहे हैं, लेकिन प्रेम तुम्हें भी कुछ पैसे देने होंगे और हम इस घर को इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकते, ये अब्बा की आखिरी निशानी है। हाँ हेलो, जी जी मैं आपके पैसों का इंतजाम कर रहा हूँ, देखो आ गया बैंक से फोन, हम पहुंच जाएंगे एक दो दिन की बस मोहलत दे दीजिए। तुम्हें लग रहा है ना हम लोग तुमसे झूठ बोल रहे हो? देखो तुम्हारे सामने फोन भी आ गया बैंक से, कुछ तो करना पड़ेगा प्रेम, वरना ये अब्बा का घर हमारे हाथ से चला जाएगा। मैं आपको फाइनल बता देता हूँ कि मैं पैसे देने वाला नहीं हूँ और फिर हम सब के सब रोड पे आ जाएंगे। ये प्रेम तो हमारी बात को सीरियसली नहीं ले रहा, कितना सेल्फिश हो गया। मैंने माँ को कहा था कि छोटे की बातों में मत आओ, पर माँ को लगी हुई थी कि नहीं इसको पढ़ाना है, इसका नाइंसाफी हुई है। मैं जा रहा हूँ भाई, इस छोटे की बातें सुन के मेरा सर फट रहा है। हम दोनों की पढ़ाई का खर्चा तो अब्बा ने उठा लिया था और इससे पहले ही अब्बा चले गए, लेकिन मैं जानता था छोटे को, छोटा बोलता कुछ है करता कुछ है। माँ देखा आपने प्रेम को, प्रेम तो बदल गया है, पर माँ आप घबराना नहीं, मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, पर मैं अब्बा की निशानी अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। प्रेम का क्या है, वो तो है ही सेल्फिश, शुरू से सेल्फिश था। मैं आपको कहता था चलें जो होना था वो हो गया, पर माँ तुम टेंशन मत लेना, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लूँगा, मैं कहीं ना कहीं से उधार पकड़ता हूँ, पर मैं इस घर को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा, ये मेरे अब्बा की निशानी है। बेटा मैं तुम पे बोझ नहीं डालना चाहती थी, पर आखिर बोझ तुम्हारे ही कंधों पे आ गया। ये तुम्हें तो कोई जिम्मेदारी उठाना ही नहीं चाहते, वैसे तुम पूरे घर का खर्चा देख रहे हो और अब इस घर की जिम्मेदारी भी तुम्हारे हाथ में आ गई है। बेटा अगर घर जाता हो जाए पर मैं तुम पे और जिम्मेदारियां नहीं डाल सकती, जो ऊपर वाले लेके आए हो ना तो वही है ना। छोड़ो जाने तो, अच्छा सबको पता चलना चाहिए। आराम से इस घर में बैठे हुए ना तमाम आसाइशें मिल रही है, तमाम ऐश कर रहे हैं, जब घर ही नहीं रहेगा तो पता चलेगा लोगों की लोगों ने क्या कीमती चीज खोई है। हर चीज आराम से मिल गई है लोगों को, इसलिए लोगों को एहसास नहीं है। उनसे पूछो जो खुद मेहनत करते हैं, खुद कमाते हैं, तो उनको उस चीज की वैल्यू भी होती है। बैठे बिठाए इतने बड़े आलीशान महल में रह रहे हैं ना, इसलिए लोगों को इसकी वैल्यू नहीं पता। आज मुझे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो रहा है, काश मैं उस वक्त तुम्हारी बात मान लेती तो इस बुराई अच्छा ले लेती अपने ऊपर, पर इनकी आखिरी निशानी मेरे हाथ से जाती तो नहीं ना। और ऊपर से कह रहे हैं आपने कौन सा एहसान किया है, हर माँ बाप करते हैं, जानती हूँ हर माँ बाप करते हैं, पर बच्चों उनका एहसास भी करते हैं, इस तरह बदल नहीं जाते हैं। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल आशिक के जहाँ को लाइक कीजिए, दोस्तों के शेयर कीजिए और हाँ मेरे चैनल आशिक के जहाँ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अभी जाइए जाके फॉर मेरे चैनल आशिक के जहाँ को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे सपोर्ट दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार कीजिए। थैंक यू।